dear student, how are you? Students, today we are going to learn chapter 2, naming words, names of things. All things have a name. Just look around and say the name of four things you can see. Student, first of all, I explain what is the name of things. Students, and what is the naming words? Students, you know, everything has a name. You look around you and say the name of four things. जैसे कि आप आपके आसपास देखो, जो भी आपको चीज दिखती है, थिंग्स दिखती है, उसका कुछ ना कुछ नेम होगा. जैसे कि चेयर, टेबल, कंपास बॉक्स, बैग, बुक एट्सेट्रा. सो थिंग्स हैव अ नेम इज कॉल्ड अ नेमिंग वर्ड्स. नाउ स्टूडेंट्स, लुक हियर, राइट द नेम ऑफ थिंग शोन इन द पिक्चर्स विद द help of words given in the box below. Students, यहाँ पे pink color का जो box है उसमें things के name दिए हुए हैं. car, cape, hat, bell, well, pencil, drum, hat और book. Now we look below it. First picture, look carefully. It is a picture of hut, H-U-T, hut. Second one, kiska picture hai? Car, C-A-R, car. Jo box hai, usme se spelling dekh ke aapko yahan pe likhna hai. Third one hai, bell, B-E-L-L, bell. Fourth one, cape, C-A-P, cape, yes. Fifth one, hat, H-A-T, hat. Sixth one, drum, D-R-U-M, drum. Seventh, क्या है? Well, W-E-L-L. एट वंथ है पेंसिल, पी ई एन सी आई एल, पेंसिल. एंड द लास्ट नाइन्थ है बुक, बी डबल ओ के, बुक. इस तरह आपको ये सारी ब्लैंक्स से पिक्चर के बिलो वो इस तरह आपको लिखनी है. नाउ स्टूडेंट, कम ऑन पेज नंबर 9, Chapter 3, Names of Animals and Birds. Students, in this chapter, we learn the name of animal and birds. Student, animals and birds are living things like you. Students, you know very well that the birds and animals are also living things like us. They also move around, eat and play. Animals and birds have names too. जैसे हम living things में आते हैं उसी तरह birds और animals भी living things हैं ना? Yes. और जिस तरह हमारे name है अलग अलग, उसी तरह animal और birds के भी name होते हैं. Okay? Some of the following living things live on trees and should sit on the trees. Student, कुछ animals और birds है जिसमें से बहुत सारे living things, I mean कि जो animal है, birds है, वो कुछ tree पे रहते हैं. First है उसमें से, the rest of them need to rush to the jungle. और कुछ है वो जंगल में रहते हैं.
सो हमें क्या करना है, हेल्प द एनिमल्स गो टू द करेक्ट प्लेसेस। यहाँ पे हमें एनिमल्स और बर्ड्स दोनों के नेम दिए हुए हैं और हमें क्या करना है कि जो बर्ड्स है जो ट्री पे सिट करते हैं ट्री पे रहते हैं उसके नेम ये फर्स्ट वाला जो ट्री है उस पे लिखना है और जो सेकेंड नंबर पे दिया हुआ है ट्री वहाँ पे वो एनिमल के नेम लिखने कि जो जंगल में रहते हैं। ओके सो लुक हियर, बॉक्स में कुछ नेम दिए वो रीड करेंगे। क्रो, फॉक्स, आउल, पिजन, टाइगर, डियर, स्पैरो, पैरोट, ज़ेब्रा, जिराफ। सो स्टूडेंट फर्स्ट जो स्पेलिंग है क्रो वो ट्री पे रहता है या जंगल में रश करता है जंगल में रहता है ज़्यादातर, तो उसका नेम कहाँ पे आएगा, फर्स्ट वन पे क्रो। सेकेंड है फॉक्स, वो कहाँ पे आएगा, सेकेंड जो पिक्चर है उस पे। ओके देन आउल वो आएगा फर्स्ट वन में, पिजन वो भी फर्स्ट वन जो फर्स्ट वाला ट्री नंबर दिया हुआ है वहाँ पे, टाइगर सेकेंड में आएगा, डियर सेकेंड, स्पेरो फर्स्ट वन जो ट्री है फर्स्ट वाला फर्स्ट नंबर का उसमें, पैरोट वो भी फर्स्ट वन में, ज़ेब्रा सेकेंड वाले में एंड जिराफ वो भी सेकेंड वाले में। सो आपको क्या करना है, एनिमल और बर्ड्स के नेम रीड करने हैं एंड आफ्टर इट थिंक करके आपको दोनों में डिवाइड करना है कि फर्स्ट वन में कौन आएगा और सेकेंड में कौन आएगा। ओके नाउ कम ऑन पेज नंबर 10 एक्सरसाइज बी, मैच द पिक्चर्स विथ द नेम ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स। चिल्ड्रन लुक हियर, यहाँ पे बर्ड्स के और एनिमल्स के पिक्चर्स राउंड में दिए हुए हैं और उनके नेम उनके बिटवीन उनके बीच में उनके सबके नेम हैं उन सबके, तो हमें क्या करना है कि वो जो नेम से उससे वो पिक्चर है वो मैच करना है। सो आपको पहले अच्छे से पिक्चर देखना है देन उन सारे नेम रीड करने हैं, फिर जिसका जहाँ पे पिक्चर है वहाँ पे वो मैच कर देना है। जैसे कि FISH फिश, तो मैं फिश का पिक्चर है वो ये फिश में मैच कर दूँगी। उसी तरह आपको ये PARROT पैरोट, तो पैरोट का पिक्चर है वहाँ पे आपको पैरोट में मैच कर देना है। उसके बाद जो भी नेम है वो अच्छे से रीड करने हैं और सारे वर्ड है वो उसके पिक्चर में मैच कर देने हैं, अच्छे से उसके नेम भी जो लिखे हुए रीड करने हैं और उसके स्पेलिंग भी आपको याद करने हैं। ओके वैल्यू कॉर्नर में कुछ दिया हुआ है, एनिमल्स एंड बर्ड्स आर ऑल्सो लिविंग थिंग्स, हाउ शुड वी केयर ऑफ देम। यू नो आगे भी हमने सीखा कि एनिमल्स एंड बर्ड्स आर लिविंग थिंग्स एंड हाउ शुड वी केयर फॉर देम, हमें उनकी केयर कैसे करनी है। सो फर्स्ट वाला जो एम है लिखा हुआ है वी शुड टीच देम, बी में लिखा हुआ है वी शुड गिव देम प्रॉपर फूड एंड केयर, सी है वी शुड पुट देम इन केजेस। द राइट आंसर इज बी, वी शुड गिव देम प्रॉपर फूड एंड केयर। ओके स्टूडेंट दिस 3 पेजेस इज योर होमवर्क एंड आई गिव आंसर कीज आफ्टर इट। ओके थैंक यू।